धातु एवं अधातु में अंतर। ये भौतिक गुण है। अवस्था, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, अपवाद है पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। घनत्व, धातु का जो घनत्व होता है, घनापन जो होता है वो उच्च होता है और अधातुओं में कम होता है। चालकता, उसमें विद्युत का सुचालक होती है, जिसे विद्युत का प्रवाह हो जाता है वो सुचालक होता है। तो चालक धातुएं क्या होती हैं, उसमें विद्युत की चालक होती हैं सुचालक, और अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातु में है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से विद्युत का प्रवाह हो जाता है, इसलिए क्या है ये अपवाद है। चमक, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, इसमें अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है। पारदर्शिता, अपारदर्शी होता है, पारदर्शी, पारभाषी, अपारदर्शी एवं पारभाषी तीनों होता है। धन विद्युती या ऋण विद्युती, धन विद्युती होता है और ये ऋण विद्युती होता है। मिश्र धातु, धातुएं मिश्र धातु बनाती हैं, अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। अघात वर्धनीता एवं तन्यता, जैसे लिखा है धातु में अघात भंगुरता पाई जाती है, पीटने पर लंबी चादर बनाए जा सकते हैं। इसमें अघात वर्धनीता एवं भंगुरता नहीं पाई जाती है, इसको पीटने पर चूड़े बन जाता है। ये हो गया इसका भौतिक गुण। आगे देखते हैं रासायनिक गुण। ये हो गया धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड क्षारी होता है, इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातु प्रभावशील, अधिकांशतः प्रभावशील क्रिया नहीं करती, बहुत कम क्रिया करती है। ये हो गया। अगला टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास क्या होता है, इसके इस परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, इसमें सबसे पहले हम परमाणु समझेंगे। परमाणु क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले हम परमाणु समझेंगे। परमाणु होता क्या है, किसी भी तत्व या पदार्थ, किसी भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ तथा तत्व, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं होते हैं एक ही तत्व के सभी परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं
से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। इसे अविभाज्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी है, फास्फोरस। परमाणु, परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ तथा तत्व का वह सूक्ष्मतम कण। कोई भी पदार्थ ले ले या कोई भी तत्व ले ले, उसका सूक्ष्मतम कण, बहुत छोटा सा छोटा कण, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, वो एक जगह बैठ के नहीं रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जो तत्व का गुण है, उस तत्व के जो परमाणु है, उसमें उसका सारा गुण पाया जाता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। कार्बन, कार्बन का जो परमाणु है, कार्बन से जो तत्व मिलकर बनता है, कार्बन का जो तत्व होता है, तो कार्बन उसमें वही गुण पाया जाता है। नाइट्रोजन का गुण कार्बन में नहीं मिल सकता, कार्बन का गुण नाइट्रोजन में नहीं मिल सकता। यही बताया है कि एक ही तत्व का गुण एक परमाणु में समान होता है, जबकि दूसरे तत्व से भिन्न होता है। इसे अविभाज्य नहीं कह सकता है। इसे अविभाज्य मतलब परमाणु को और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अब इसे माना गया है कि परमाणु तीन भागों से मिलकर बना है। इसे इतना बड़ा छोटा सा भी इसका परिभाषा हो सकता है कि किसी भी पदार्थ तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये भी एक यहाँ तक भी आप परिभाषा के रूप में यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम परमाणु क्या होता है, परमाणु किससे किससे मिलकर बना होता है। परमाणु, इसमें बोला गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले इसे हम कार्बन परमाणु ले लेते हैं, कार्बन परमाणु। अब हम देखते हैं कार्बन परमाणु किससे किससे, मान लीजिए परमाणु किससे किससे भिन्न बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में, न्यूक्लियस, केंद्रक भी कह सकते हैं आप। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। और जो न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले में दो, दूसरे में चार। अब हम देखते हैं कार्बन परमाणु कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। इसमें कार्बन के कितने परमाणु क्या है? छह। कितने प्रोटॉनों से मिलकर बना है? छह। न्यूट्रॉन कितने हैं? छह। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? छह। कार्बन परमाणु जो है, छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अब इसका हम इन प्रोटॉनों का क्या निकालेंगे, जो ये कार्बन परमाणु है, इसका हम निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, अगर हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे प्रोटॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का। जब सबका पता होगा तो हम सबको जोड़ देंगे, तो इस पूरे परमाणु का भार मिल जाएगा मुझे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻²⁴ ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻³⁴ थोड़ा सा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बराबर ही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³। ये देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सबसे पहले कार्बन परमाणु में परमाणु को हम सबसे पहले तीन भागों से बना होता है, जानते ही हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हम कार्बन परमाणु की संरचना बनाए हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्या है? कार्बन परमाणु 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 × 10⁻²। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल 9.1 × 10⁻³। इसमें ये मूल गया मुझे प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिल गया है तो हम उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे कार्बन परमाणु का कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। अब हम देखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.667 × 10⁻²। प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 6 न्यूट्रॉन है तो 6 न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻²। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बारे में हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻³। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत कम है। इसका मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1/1 × 37 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान से, एक बटे 1837 भाग कम होता है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतना गुना होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इतना गुना होता है। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इतना गुना ज़्यादा होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान से इतना गुना या इतना भाग कम होता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं या जीरो मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं? जीरो या नगण्य। ये होता है, आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से इतना गुना कम होता है या इतना भाग कम होता है, 1/1837 भाग कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम क्या मान लेंगे? बहुत कम है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, इतना गुना कम है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि जीरो मान लेंगे या नगण्य मान लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं लिख रहे हैं। अब जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा किसका किसका ही होगा? प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। अब हम देख लेते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6, 6, 12। जैसे आप कुछ संख्या हल करते हैं 5x + 5x तो क्या हो जाएगा? 5, 5, 10x होगा। इसलिए ये दोनों सेम है, ये 6, 6, 12 हो जाएगा इनटू
1.67 × 10⁻²⁴ ये मिल गया। अब ये जो इसको हम लिखते हैं ग्राम, ये जो सब प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है जो ग्राम में है, ये सब ग्राम में है। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना निकला, 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब इसको 1.67 × 10⁻²⁴ को बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं? AMU 1.67 × 10⁻²⁴। मतलब प्रोटानों के द्रव्यमान को, प्रोटान ये किसका द्रव्यमान निकला, प्रोटान प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों का है, तो प्रोटानों के द्रव्यमान, प्रोटान और न्यूट्रॉन का बराबर होता है, प्रोटान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटानों के द्रव्यमान के बराबर होता है AMU। क्या होता है? AMU जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान इकाई, आणविक द्रव्यमान इकाई लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ये जो 6 और 6 जुड़ के 12 हो गया और ये दोनों सेम है, इन दोनों को हम उतार देते हैं नीचे। और अब देखते हैं कि ये जो है ये 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम है, उसको क्या बोलते हैं? AMU। AMU या कह सकते हैं कि प्रोटानों के द्रव्यमान को AMU कहा जाता है। AMU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी बोलते हैं आणविक द्रव्यमान इकाई, आणविक द्रव्यमान इकाई। अब निकालेंगे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, क्या निकल गया? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बारह ए एम यू, क्योंकि इसके जगह पर हम क्या लिख दिए हैं? AMU, क्योंकि दोनों बराबर होता है, इतने को हम क्या बोलते हैं? AMU। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए? 12 AMU। तो ये हो गया कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान। अब हम AMU को किस तरह, आणविक द्रव्यमान इकाई को किस तरह AMU परिभाषित कर सकते हैं? AMU बराबर क्या हो जाएगा? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU। हम 1 AMU इक्वल क्या लिख सकते हैं? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, या बुक में ऐसे दिया है कि 1/12, 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, इस तरह लिख सकते हैं आप, 1/12 × कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। फिर से एक बार देख लेते हैं, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या निकलगा? कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मुझे पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नगण्य मान लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बहुत कम होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837
कम होता है, भाग कम होता है, इसलिए इसे हम जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम लिख लेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻²। अब कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन इंटू इतना प्लस 6 न्यूट्रॉन इंटू इतना। अब इन दोनों को हम जोड़ के क्या लिख देंगे, 6 × 6 = 12 गुणे इतना, ये दोनों सेम है, तो हम इसको उतार देंगे। प्लस ग्रामिक इसमें आया, ग्राम में आया, जब हम ग्राम को एमयू में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं, तो इसका मान क्या होता है, 1 AMU। अब लिखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं आणविक द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या निकल गया, 12 AMU। अब लिखेंगे एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पे लिख लेते हैं एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU, AMU बराबर क्या निकल गया, एक कार्बन परमाणु, यहाँ पे लिख लेते हैं एक। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 AMU, तो 1 AMU, 1 AMU बराबर क्या निकल गया, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, या 1/12 गुणे एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12। इसी तरह हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोटॉनों, आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 × 1.67, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 × 10⁻², प्लस 8 × 1.67 × 10⁻²। इसको हम हल कर देंगे, ये हो गया आपका ग्राम में, जब इसको हल करेंगे तो 8 × 8 हो गया 16 AMU, क्या निकल गया, 16 AMU, क्योंकि इसको मैं ऐसे पहले लिख लेते हैं, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम बराबर 16 AMU, ये निकल गया आपका एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। इसी तरह किसी भी परमाणु का आप इस तरह द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ये AMU हो गया 16 AMU, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान।